हिमाचल में आरटीआई कार्यकर्ता खतरे में हैं और यही नहीं आरटीआई कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिस पर सोलन पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है और ऊंची पहुंच वालों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है। ये आरोप आरटीआई कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन पर लगाया है। उन्होंने कहा कि इस कसौली के आरटीआई कार्यकर्ता लगातार भू माफिया और होटल व्यवसायियों के न केवल काले चिट्ठे खोल रहे हैं बल्कि उन पर उचित कार्यवाही भी न्यायालय के माध्यम से करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वह सभी बौखलाए हुए हैं और वह आरटीआई कार्यकर्ता चेतन पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए आरटीआई कार्यकर्ता चेतन ने बताया कि भू माफिया और होटल व्यवसायी उनकी पोल खुल जाने के डर से उन्हें निशाने पर लिए हुए हैं और उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले उन पर हमला दिन के उजाले में किया जाता था, लेकिन अब ऊंची पहुंच के चलते उनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वह अब रात के अंधेरे में घर पर घुसकर भी हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोलन पुलिस पूंजीपतियों की पुलिस बनकर रह गई है। कल रात को एक मेरे साथ फिर से एक हादसा हो गया कि गांव के कुछ लोग व होटल रमाडा का मालिक ने कल मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला कराया, जिसके अंदर मेरी गर्दन में काफ़ी चोट आई है और मेरी मदर को भी इन्होंने काफ़ी चोट पहुंचाई है और उसके मेरी मदर के जो है इन्होंने कपड़े फाड़ दिए और मेरे ब्रदर को भी मारा और हमने पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दी है और इसके ऊपर हम चाहते हैं उचित कार्रवाई हो। और जैसे कि पहले भी एक जिंदाल जी थे, उनको पहले दो बारी उनके ऊपर हमला हुआ था और तीसरी बारी उनको मार ही दिया गया प्रधान और उनके द्वारा, और आज कल मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था और अब दूसरा हादसा हो गया है। और मैं प्रशासन को बोलूँगा कि मुझे ऐसे चलते में एक सुरक्षा प्रदान की जाए कि जो है ये जो असामाजिक तत्व है जो हमला कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हम जो है लोगों के अधिकार के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं और लोगों की जनता के लिए हम पानी की मांग कर रहे हैं और भी जो बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि जनता के लिए हम लड़ना चाहते हैं, सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, पर ये लोग जो है ये हमारे ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं, जिसकी कसौली SHO और आत्माराम जी ने जो ये सब कुछ करा है इसके बारे प्रशासन को देखना चाहिए।